फ्रेंड जश्री महाकाल, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आपको पता है हमारी स्विंग ट्रेडिंग की जो सीरीज चल रही है, तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी की, जो कि प्राइस एक्शन पर डिपेंड करती है। सुप्रीत जो है मेरे फ्रेंड, वो बहुत टाइम से स्विंग ट्रेडिंग पर इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे बिल्कुल मत बढ़ना। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल्स जोन। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ओके, सो मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा कि मार्केट में जो टोटल है वो चार तरह की ट्रेडिंग होती है, जिनमें से पहले नंबर पे होती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, क्या क्या होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें कवर करेंगे। क्योंकि पहली होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग जिसके बारे में ये आज की वीडियो होने वाली है, थर्ड नंबर पे हमारी आती है पोजिशनल ट्रेडिंग, फोर्थ नंबर पे हमारी आती है ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड लास्ट में आप रख सकते हो इन्वेस्टिंग को। ओके, मार्केट में सिर्फ ट्रेडर नहीं होते, मार्केट में इन्वेस्टर्स भी होते हैं, मार्केट में ऑपरेटर्स भी होते हैं। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आपका जो भी टॉपिक चलेगा वो सिर्फ चलेगा कि स्विंग ट्रेड क्या होती है, स्विंग ट्रेड कैसे करनी है। आपको एक मैं ऐसा सेटअप दूंगा जिसपे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, सिंपल सा सेटअप होगा, बिल्कुल छोटा सा। ओके, जो बेसिकली जो स्विंग ट्रेड होती है वो होती है प्राइस एक्शन पे। अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है तब भी आप इस सेटअप पे काम कर सकते हो, कुछ ऐसा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे उम्मीद है आपको इतना पता होगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। जब हम किसी शेयर को 2 से लेकर के 15 दिन, 20 दिन, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, ठीक है, एक एवरेज मान के चलते हैं, 2 दिन से लेकर के 20-25 दिन के लिए जब आप किसी स्टॉक को या शेयर को होल्ड करते हो, या फिर 15 दिन के लिए, वीक के लिए होल्ड करते हो, इन सिंपल वर्ड 1 महीने से कम होना चाहिए। ठीक है ना, आपकी जो होल्डिंग है वो 1 महीने से कम होनी चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, जब आप स्विंग ट्रेड लेते हो ब्रोकर में, तब आपको जो शेयर है वो डिलीवरी में उठाने पड़ते हैं। ठीक है, आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक इंट्राडे एक डिलीवरी, तो आपको डिलीवरी में शेयर उठाने पड़ते हैं, वो होती है हमारी स्विंग ट्रेड। ठीक है, अब स्विंग ट्रेड करनी कैसे है, जब भी आप YouTube पे सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा मूविंग एवरेज। ठीक है, आपको मूविंग एवरेज सिखाया जाएगा, आप मूविंग एवरेज पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट सिर्फ एज अ बिगिनर। ओके, आप एज अ बिगिनर मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको एडवांस सीखना है, अगर आपको सच में मार्केट में अपना करियर बनाना है, आपको सारा का सारा पैसा मार्केट से निकालना है, तब आपको एक चीज आनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, एंड ये सीखनी नेसेसरी है मार्केट में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी आपको अगर ये चीजें नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्विंग ट्रेड के लिए एक ऐसा सेटअप बनाऊंगा जिसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो सेटअप पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट ना कभी भी एकदम से लगातार मूवमेंट नहीं देता। एकदम से लगातार मूवमेंट का क्या मतलब है, मार्केट की मूवमेंट कभी भी इस तरह से आपको नहीं मिलेगी। मार्केट जो है लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, कुछ एक केसेस में जाएगा, एंड वो केसेस कौन से होंगे, जब मार्केट में ऑपरेटर्स बैठे होंगे। ठीक है, या फिर मार्केट जो है वो लगातार हाईर हाई लगातार चला जाएगा। दोनों केस डिफरेंट है, डिटेल में बात नहीं करूंगा, सिर्फ स्विंग ट्रेड पे रहेंगे। ठीक है, अभी आपने इतना समझना है कि मार्केट ना कभी भी इस तरह से मूवमेंट नहीं देता है, मार्केट हमेशा स्विंग क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। स्विंग क्रिएट करने का मतलब क्या है कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इस तरह से जो है मार्केट रिट्रेसमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, सेम इसी तरह से मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करता हुआ ही नीचे की तरफ आता है इस तरह से। ठीक है, मार्केट कभी भी लगातार इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी इस तरह से लगातार नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेटअप की। देखो, सेटअप आपको कैसे मिलेगा, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा अप ट्रेंड क्या होता है। ठीक है,
अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, देन हम बिल्कुल बिगिनिंग से ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, शेयर मार्केट में कितने तरह की ट्रेडिंग होती है, ऑपरेटर क्या होता है, सारी की सारी जो है ना बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बिगिनिंग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा होगा ना तो मार्केट कुछ टाइम के लिए उस जगह पे रुकेगा। मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा होगा ना एंड अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट जब डाउन ट्रेंड अपना स्टार्ट करेगा तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के बीच में मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट क्या होता है अगर ये भी नहीं पता है, देन मैं अगेन कहता हूं कि बिगिनिंग से वीडियो बनवानी है तो आप एक बार बिल्कुल कमेंट कर देना कि बिल्कुल जो है वो बेसिक से जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है, बट फिर भी इतना एडवांस नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आपको क्या मिलेगा, मार्केट जो है एक टाइम पे आपको कुछ इस तरह से मूवमेंट देता हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है इन दो लाइनें अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, इन दो लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन दो लाइन के बीच में कुछ इस तरह से वर्क करता हुआ आपको जो मार्केट है वो नजर आएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह के स्टॉक्स पकड़ने हैं, इस तरह के शेयर्स पकड़ने हैं जो कि अप ट्रेंड में हूं, इस तरह से ऊपर जा रहे हूं एंड उसके बाद जो है इस तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट जो है इस लाइन पे आए। ठीक है, इस तरह से मार्केट मूव दे रहा है, अब मार्केट जो है इस लाइन पे आए एंड इस लाइन पे आकर के आपको एक कैंडलस्टिक दे। कौन सी कैंडलस्टिक, उसके बारे में बात करते हैं। कैंडलस्टिक का नाम है पिन बार। कैंडलस्टिक का, ठीक है, तो पिन बार देखते हैं कि पिन बार किस तरह की होती है। पिन बार जो है हमारी एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है, बुलिश यानी कि ग्रीन कैंडलस्टिक होती है। ठीक है, कैसी बनेगी वो देख लेते हैं हम, किस तरह की जो है मार्केट में आपको दिखाई देगी। मार्केट में आपको एक हल्की सी बॉडी दिखाई देगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ग्रीन कलर की, ऊपर की तरफ एक हल्की सी वीक दिखाई देगी एंड नीचे की तरफ की जो वीक रहेगी वो बड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये जो कैंडल बनेगी आपकी, ये बनेगी पिन बार कैंडल। ठीक है, ग्रीन कलर की रहेगी, पिन बार रहेगी, ऊपर की तरफ की वीक छोटी, नीचे की तरफ की वीक जो रहेगी वो बड़ी रहेगी। ठीक है, जहां तक ऊपर की वीक गई है ये इसका रहेगा हाई पॉइंट। जहां तक ऊपर की वीक गई है वो इसका रहेगा हाई पॉइंट। ओके, अब एंट्री कहां पे एक्टिवेट होगी, ये कैंडलस्टिक मिलेगी कहां पे, ये चीज समझो। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, इस तरह से कंसोलिडेट करेगा, देन इस लाइन के पास आपको जो है ये कैंडलस्टिक बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको जो है ये कैंडलस्टिक बनती हुई नजर आएगी कुछ इस तरह से। एंट्री कहां पे एक्टिवेट होगी, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो वन डे का टाइम फ्रेम रहेगा। जैसे ही कैंडलस्टिक बनती है आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट डे जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, सपोज करो आप सोमवार को देख रहे हो मार्केट में एंड सोमवार को जो है आपकी पिन बार कैंडलस्टिक बन चुकी है, तो आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार को जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इसका हाई तोड़ेगी, जैसे ही ये कोई बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल इसका हाई तोड़ेगी तो आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी यहां पे। ठीक है, समझ में आ गई बात, पिन बार एंड जैसे ही कोई भी नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी देन यहां पे आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिस्टम है, एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने देखने हैं स्टॉक जो कि अप ट्रेंड में हो, उसके बाद कंसोलिडेशन में सपोर्ट लेवल पे, ये जो लाइन है नीचे की तरफ, यहां पे आपको पिन बार कैंडल दे एंड यहां पे आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी, ऊपर तक का टारगेट रहेगा, नीचे जो है यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। अगर टारगेट स्टॉप लॉस क्या होते हैं ये भी नहीं पता है तो मैं अगेन कह रहा हूं कमेंट सेक्शन में बता देना कि बिल्कुल जो है जीरो से आपने स्टार्ट करना है, तो बिल्कुल जीरो से लेकर के वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओएडिक में जाना है तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, द बुल ज़ोन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, लिंक यहां पे नीचे डाल देंगे हम। ओके, तो अभी जो है ना इस सेटअप को हम चेक कर लेते हैं कंप्यूटर में अपने चार्ट में कि किस तरह से जो है ये वर्क करेगा, किस तरह से आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी, किस तरह से जो है आपके टारगेट लगेंगे। कंप्यूटर में चलते हैं। सर, मैंने भी आपको टीच किया है, मैंने भी आपको बताया है। ठीक है, सेम चीज जो है अभी चार्ट में देखने वाले हैं। एक बार मैं आपको सिस्टम रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, अप ट्रेंड में देखेंगे, मार्केट जो होगा अप ट्रेंड में होगा, उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन देगा एंड इस कंसोलिडेशन के सपोर्ट लेवल पे हम पिन बार कैंडल ढूंढेंगे एंड वहां पे जो है हमारी बाइंग पोजीशन बनेगी। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक या दो स्टॉक दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि एंट्री लेनी कहाँ है
एंड रियल में आपको जो स्टॉक है, जो मूवमेंट है, जो मार्केट है वो कैसे दिखाई देगी। ओके, तो देख लेते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम रहेगा आपका, बिकॉज हम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, वन डे का आपका टाइम फ्रेम रहेगा। मैं चार्ट को बिल्कुल छोटा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ओके, तो यहां से देखते हैं मार्केट जो है हमारा यहां से अप ट्रेंड में है कुछ इस तरह। ठीक है, ये जो है मार्केट अप ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां पे आकर के मार्केट ने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है, वही कंसोलिडेशन जो हमें चाहिए। ठीक है, यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, अगेन यहां तक, अगेन यहां तक, अगेन यहां तक। ठीक है ना, अगेन यहां तक एंड अगेन यहां तक। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है। पहले तो अपट्रेंड में होना चाहिए, अपट्रेंड में है, बिल्कुल है। उसके बाद कंसोलिडेशन आएगा, कंसोलिडेशन आ गया, बिल्कुल आ गया। अब जो है नीचे की लाइन, ये जो है मेरी नीचे की लाइन है, इस लाइन पे मुझे चाहिए एक कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक का नाम क्या है मेरा, पिन बार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ढूंढूंगा पिन बार। पिन बार मुझे कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे देखो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ध्यान से दिखाई दे। यहां पे देखो पिन बार की पहचान क्या है, पिन बार क्या होती है, ग्रीन कैंडल, ऊपर की विक छोटी, नीचे की विक बड़ी। ठीक है, ये जो कैंडल है ये है 7/1 की, नीचे डेट दिखाई दे रही है ना, 2022/7/1। एंट्री कब एक्टिवेट होगी, नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही हाई ब्रेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो है यहां से जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करेगी, यहां पे मैं एक मार्क लगा देता हूं, जैसे ही इस पॉइंट पे इसने ब्रेक किया, यहां पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई। टारगेट कहां पे रहेगा, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, सेकंड टारगेट रहेगा ऊपर का ये। ठीक है, यहां पे देखोगे तो दोनों के दोनों टारगेट जो है वो मार्केट ने दे दिए। क्लियर है, सिंपल है, बेसिक है, कुछ इसमें ज्यादा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सी चीज है, तीन स्टेप मैंने आपको बताए हैं एंड उन्हीं तीन स्टेप को आपने फॉलो करना है। दैट्स इट। एक मैं आपको एक्सिस बैंक में दिखा देता हूँ। एक्सिस बैंक में भी पहली कंडीशन क्या है हमारी, की मार्केट जो है वो अपट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, मैं आप पीछे चलता हूँ, मैं पीछे देखता हूँ कि मार्केट जो है क्या करता है। ठीक है, यहां से देखता हूँ, यहां से जो है मार्केट अपट्रेंड बनाता हुआ आ रहा है आराम से। ठीक है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोल आया बट मार्केट जो है अभी भी अपट्रेंड में ही है, देखो। ठीक है, अपट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन में आपको जूम करके दिखा देता हूं, यहां से यहां तक, अगेन यहां तक, अगेन यहां तक, इसके बाद अगेन यहां तक, फिर यहां तक। इस तरह से जो है मार्केट एक रेंज में आ चुका है, यानी कि कंसोलिडेशन कर रहा है, रेंज में आ चुका है, कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि दो लाइनों के बीच में फंसा हुआ है। दैट्स इट, ये मतलब है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल है, बेसिक है। अब मैंने क्या देखना है, अब मैंने देखना है यहाँ पे पिन बार। अगेन यहाँ पे मैं पिन बार देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को पिन बार बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे देखो। ठीक है, छोटी सी बॉडी, ऊपर की भी छोटी, नीचे की भी बहुत बड़ी। एंट्री कहाँ एक्टिवेट होगी, सेम ये जो है 3/8 की, 2022 3/8 की मेरी कैंडलस्टिक है एंड जो एंट्री एक्टिवेट होगी वो 9 तारीख को होगी। ठीक है, ये जो है मार्च की मेरी कैंडलस्टिक है, 8 तारीख की, 8 मार्च की, तो 9 मार्च को मेरी एंट्री एक्टिवेट होगी जैसे ही ये जो वीक है ये ब्रेक होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ये ओपन हुई, हल्की सी ऊपर गई, इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुई। ठीक है, टारगेट क्या रहेगा, यहाँ तक का जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अगेन जो है मार्केट पूरा पूरा टारगेट लगा करके नीचे की तरफ आ चुका है। सिंपल है, बेसिक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इस स्ट्रेटजी का यूज करना है, इस सिस्टम का यूज करना है, इस सेटअप का यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सेटअप है। एडवांस सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, द बुक जोन के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आपको अकाउंट मिल जाएगा द बुक जोन 0 के नाम पे। ओके, सो ये है सेटअप जिसको आप यूज करके स्विंग ट्रेड कर सकते हो। ओके,